नमस्कार दोस्तों, आज 5 अगस्त 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के टमाटर के क्या बाजार चले, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट है। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 25 किलो का टमाटर का रेट चलता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, दिल्ली में आज सुबह से 4-5 बजे से बरसात चली हुई है, अब भी रिम झिम बिल्कुल हल्की हल्की बरसात है, वैसे 90% बरसात अब बंद हो चुकी है। चलिए जान लेंगे आज का दिल्ली जाजपुर मंडी में टमाटर का क्या रेट है, भाई साहब के पास ये टमाटर आए आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, चलिए जानते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। राणा साहब को बहुत बहुत नमस्कार जी। भाई साहब जी आज का कैसा बाजार जी, कितनी गाड़ियां हैं जी, कहां कहां के माल जी, क्या पहले तो आपने आज अपने चैनल में बताई दिया होगा दिल्ली के अंदर सुबह भी बारिश लगी हुई थी, अभी भी बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम अभी भी बरकरार है, कभी भी बारिश हो सकती है। और रही टमाटर की आपको बारे में एक बार फिर मैं बताऊंगा कि पहाड़ों पे एक बार फिर पहाड़ थोड़े से गिर गए तो टमाटर जो है ना थोड़ा सा एक दो दिन के लिए रुक गया था, तो आज थोड़ी सी शिमला के टमाटरों में आवक में थोड़ी सी कमी है। रोज के मुकाबले 8-10 गाड़ी शिमला वाली आ रही थी, आज अभी 3-4-5 गाड़ी आई है और 2-3 गाड़ियाँ जो है अभी और पीछे पकाए हैं। अच्छा जी जी। और टमाटर छक करके तो लोगों ने 200 रुपये किलो टमाटर रहा था, आज से 31 तारीख लास्ट डेट थी जो टमाटर 4500 से 4800 रुपये दिल्ली के अंदर बिका था। हाँ जी। उसके बाद से लगातार आज के दिन तक रोज 400-500 रुपये की गिरावट हो रही है। अच्छा जी। मतलब 4 से 5 दिनों के अंदर दिल्ली शहर के अंदर 80 रुपये किलो टमाटर मंदा हो चुका है। अच्छा जी। जो जनरल भाव जो आज का रह गया समझिए, जो 31 तारीख को 31/7 को जो टमाटर बिक रहा था 4500 से 4800, आज की डेट में वो टमाटर 3000 रुपये तक का आ चुका है। अच्छा जी। तो ये समझ लीजिए 1500 से लेके 2000 रुपये तक की गिरावट दिल्ली मंडी, दिल्ली NCR के अंदर सभी मंडियों में हो चुकी है। अच्छा जी जी। तो माल ज्यादा बढ़ने के कारण जी है, देखिए माल भी बढ़ोतरी भी आ रहा है। अच्छा। कुछ टमाटर 200 रुपये किलो दिल्ली की जनता या ऑल ओवर इंडिया की जनता पसंद नहीं कर रही है, 200 रुपये किलो में हम टमाटर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। 200 रुपये किलो तो नजायज़ है, कईयों ने तो टमाटरों को कहा भाई हम खरीदारी बंद कर रहे हैं। और कुछ आपको मैं ये बताऊं कि भाई बंगलोर की आवक बढ़ चुकी है, नासिक के नए टमाटर निकलने शुरू हो गए हैं और हफ्ते के अंदर और नए टमाटर निकलने वाले हैं, जैसे जैसे टमाटर निकलेंगे बढ़ोतरी बढ़ेगी और रेट जो है और ज़्यादा न्यूनतम आने की पूरी पूरी संभावना है। और नासिक में तो कह रहे बरसातें वगैरह, महाराष्ट्र में बरसातें वगैरह चली जी, देखिए अभी कोई ऐसी बारिश नहीं है कि जो कि टमाटर को नुकसान करे। अच्छा। अभी तो नए फसल उनके निकलने बाकी है, अभी तक फसलें नहीं थी, अब फसलें चालू होनी तैयार हो चुकी हैं और फसलें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे रेट जो है नॉर्मल हो जाए। आज बड़ी गाड़ियां कितनी आ रही है बाहर वाली? टोटल गाड़ियों जो आवक मंडी में 12 से 13, 12-15 गाड़ी है बड़े वाली, जिसमें 2-3 गाड़ियां हाइब्रिड की और बाकी जो है देसी की गाड़ी है। अच्छा जी जी। इसमें महाराष्ट्र की कितनी है जी? इसमें महाराष्ट्र की 3 गाड़ियां आज। अच्छा, आपको मैं देसी की क्वालिटी दिखाऊं, देखिए। हाँ जी। ये टमाटर का साइज देखिए कितना छोटा साइज है। अच्छा जी। जो ऐसे छोटे टमाटर है बंगलोर के। हाँ जी। साइज छोटा पड़ गया जी? वो नहीं, ये भरवाया छोटा हुआ जी। अच्छा, थोड़े कम रेट के में? थोड़े कम रेट हो गए क्योंकि महंगा टमाटर ले नहीं रहे थे लोग। अच्छा जी। थोड़ा छोटा टमाटर सस्ता मिलता है, थोड़ा सस्ता भरवाया वाला। इसकी क्या पोजीशन चल रही है ऐसे की? यहाँ इसकी पोजीशन की जो है आज 2400 से लेके 2600 के बीच में, 2400 से 2600 रुपए की। हाँ। ये जी ये भी है लगा लेंगे 100 रुपए किलो से तो ऊपर ही ऊपर है, 110 रुपए किलो आसपास पड़ी है। और जो इसी में बम्पर मोटा गोल टमाटर है 2800, 2900, 3000 रुपए। अच्छा जी। 2500 रुपए ज्यादा है, 2900 ज्यादा है, 1000 रुपए बहुत बढ़िया है, वो 3000 रुपए। अच्छा जी जी। और ये गाड़ी कितने में खुल रही जी यहाँ पर जो खुलता है जिसकी? और ये गाड़ियाँ महंगी है, इनमें भी 500-500 रुपए के रेट का नुकसान है। अच्छा जी। ये गाड़ियाँ सब 3000+ खुलती है, लेकिन बाजार की स्थिति को देखते हुए मालों को बेचना बहुत जरूरी है, अगर रोक लेंगे तो ये टमाटर खराब हो जाएंगे। अच्छा जी। इसलिए बाजार के अंदर थोड़ी परिस्थिति डाउन है। हाँ जी। तो टमाटर जो है बेचने में ही फायदा रहेगा, देखिए कैसे गीला होता है और बरसात में गीले हो गए जी। जी जी। और जो बात करें जी अपना इसकी बेंगलोर वाला हाइब्रिड जी, देखिए बेंगलोर का हाइब्रिड आज मंडी में कोई गाड़ी है नहीं, अगर वो होती तो 3000 रुपए के आसपास बिकती। अच्छा जी जी। और जो बात करें जी नासिक वाले महाराष्ट्र वाले जी हैं, नासिक महाराष्ट्र वाले टमाटर जो है 2500 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक जो है, जैसिमपुरा जैसे टमाटर जो आ रहे हैं महाराष्ट्र से उन टमाटरों की रेंज 2500 से 2800। नारायणगांव वगैरह जी, नारायणगांव का जो बढ़िया माल है 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए। अच्छा। अच्छे मालों की पोजिशन 3000 तक है, हल्के मालों की कोई वैल्यू नहीं है, हल्के माल 2500 के भी है, 2200 के भी है। अच्छा जी। पर निशान ज्यादा लगे हुए, कलर अच्छा नहीं है, टमाटर लूज हो रखे तो वो टमाटर मंदे ही है। अच्छा। बढ़िया क्वालिटी जो है वो 3000 रुपए की, बहुत लिमिटेड माल। अच्छा जी जी। और जो बात करें इसी में भाई साहब जी अपना हिमाचल का क्या रेट चले जी आज, और
कितना माल आएगा जी हिमाचल का आने वाले दिनों में? हिमाचल का माल जो है ये माल के जो है ना के बराबर है माल जो है। अच्छा जी, ना के बराबर है। अच्छा जी, हाँ माल अब जो है 8-10 गाड़ी आ रही है, धीरे धीरे डे बाई डे कम होना शुरू हो जाएगा और माल जो है समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। कोई उसमें ज्यादा माल नहीं रहेगा। 3-4 दिन के अंदर सारे किसान मिलके एक गाड़ी बनाते हैं, पूरे शिमला के क्षेत्र से 10-12 गाड़ी निकलती है, वो भी बारिशें होती जा रही है, डे बाई डे खत्म होता जा रहा है। तो नुकसान ज्यादा हो गया जी उनका? हाँ सब बिल्कुल अब खत्म हो रहा है। टमाटर का टाइम उससे ओवर होता जा रहा है शिमला का टमाटर का। अच्छा जी, पूरा मतलब लंबा टाइम हो गया जितना चलता है, कुछ बारिशों ने भी खराब कर दिया, कुछ फसल भी कम लगी हुई थी। बताओ जी, जीवन में पहली बार इतना रेट आया और हिमाचल वालों को वो भी नहीं मिला जी? वो भी नहीं मिला। थोड़ा बहुत लोग जिन्होंने ग्रोवर में लगाया था माल, जिनके पास माल था उनको रेट मिला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को माल ही नहीं था तो रेट कैसे मिलता। अब की बार फसल भी कम लगाई जी और साथ में तबाही आ गई बरसातों की। बस 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 बस, बाकी अब उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में टमाटर की फसलें बढ़ेंगी और आम जनता को राहत मिलेगी। ऐसे देखते हैं जी, आम जनता फिर जब मंद हो जाएगी फिर भी नहीं खाने के जी, जैसे इन्होंने पहले खाया जी 50 रुपए की सौ टमाटर 100 रुपए किलो अगर मंडी के अंदर परचून के अंदर बिकने लग जाए। नखरों के कारण तो है जी, जब 50-100 रुपए की क्रेट थी उन्होंने खाया नहीं ना, तो ही तो लोगों ने लगाया नहीं, फिर ये फसल कम लगाई जो रेगुलर, कहाँ तक घाटा खाएंगे जी लोग भी फिर। धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी? दुकान का एड्रेस है D1334 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, मोबाइल नंबर है 98111-63-748, नाम मेरा दीपक ढीला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों यही कारण है जी टमाटर का, अब की बार जो लोगों ने एक तो कम लगाया, साथ में जो हिमाचल का टमाटर आना था मंडी में खुलकर वो नहीं आ पाया, तबाही आ गई। और पहले पिछले साल यही टमाटर इनका बहुत 200-250 रुपये इन दिनों में टमाटर बिकता था, ये अपना बेंगलोर का कर्नाटक वाला, तब लोगों ने वहाँ भी लगाना बंद कर दिया, तभी इसके टमाटर के रेट हो। आप जो खाओ तो कंटिन्यू खाते रहो, तभी किसान इसको लगाता रहेगा और माल आपने लगाते रहे, नहीं फिर किसान भी खेती छोड़ देंगे, फिर बाद में हाय तोबा तो मचेगी किसी भी चीज़ की। आज जैसे अब की बार आम में हो रहा, आम बरसातों ने आम की फसल, आम भरपूर है, आम की फसल काली कर दी और वो काला आम होने के कारण जो है लोगों ने खाना छोड़ दिया और किसान कह रहे हम तो खेतों में से बाग काट के उनमें दूसरी फसलें करेंगे कि बागों में कमाई नहीं है कुछ भी, साल में एक बार फसल आएगी और वो भी बरसात से काली हो जाएगी, खराब हो जाएंगी, तो हम कहाँ जाएंगे। तो लगातार फसल फल फ्रूट खाया करो, सब्जी भी।